कहते हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन आज की कहानी सिर्फ आईना की हैप्पी एंडिंग नहीं बल्कि बहरे होने की वजह से उसने जो स्ट्रगल्स किए हैं उसके बारे में है। बेजुबानों की बेबसी और लाचारी को भला कौन समझता है? गलत सही पाप पुण्य पर भला कौन विचार करता है? मासूम से जीवों की जिंदगी से खेल उन्हें बेघर कर देता है। यहां तो इंसान अपने स्वार्थ के लिए इंसानियत भी भुला देता है। शिवम जी ने छतरी से हमें फोन करके एक पिटबुल के बारे में बताया जिसे अबैंडन कर दिया गया था। न जाने कितने ही दिनों से आईना भूखी प्यासी थी और सड़कों पे एक मैगेट वुंड के साथ भटक रही थी। हमारी टीम ने उसके मैगेट वुंड का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और साथ ही उसके शरीर पर जो अनगिनत टिक्स थी वो भी निकाली। जब उसकी हालत में थोड़ा सुधार होने लगा तो गरिमा ने उसे वॉक्स पे ले जाना शुरू किया, उसके साथ समय बिताना शुरू किया। उसका दर्द भी अब कम हो गया था और हमें वो खुश लगती थी, लेकिन उसके बहरे होने की वजह से हम उसके अडॉप्शन को लेकर टेंशन में थे। ये बात समझने में भी हमें देर नहीं लगी कि शायद इसी वजह से आईना को अबैंडन कर दिया गया था। और ये जानने के बाद हमें आईना के लिए और भी बुरा लग रहा था कि ऐसी हालत में कोई इसे सड़कों पे मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है, जहां हॉर्न न सुनने के कारण कोई गाड़ी भी उसे मार सकती थी। ये पाप नहीं तो और क्या है? खैर, हमसे कोई पाप ना हो जाए और हम आईना की मदद कर पाए, इसलिए उसकी ट्रीटमेंट्स के दौरान हमने आईना की एक स्टोरी शेयर की थी। देखिए, अगर अनजाने में कोई गलती हो जाए तो वो माफ होती है, लेकिन अगर कोई जानते हुए समझते हुए जानबूझकर ऐसा बुरा काम करता है तो वो गलती नहीं, वो पाप है। अब क्योंकि मैंने पाप की बात की तो आइए पुण्य की बात भी कर लेते हैं। लोग पुण्य कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते, कभी कुंभ के मेले में जाते हैं, कभी गंगा में डुबकियां लगाते हैं, कभी किलोमीटर किलोमीटर नंगे पैर भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसी है जो घर बैठे बैठे पुण्य कमा रही है। तो सो रही है। मैं पीपल फार्म को जनवरी से फॉलो कर रही हूँ और उसी दौरान मैंने ना असली में मुझे ज्वाला के लिए मैंने अडॉप्शन फॉर्म भरा था और मुझे लगा कि एक बार को ज्वाला तो तीन पैरों पे चलना सिखा दिया गया है, पर आईना टोटली डिपेंडेंट है एक दूसरे इंसान पे, तो उसे ज्यादा केयर और अटेंशन की जरूरत है और वो ज्यादा केयर और अटेंशन मैं बहुत अच्छे से दे सकती हूँ, मुझे ऐसा लगा। और उसकी वीडियो देख के मैं एकदम से रो गई थी कि ये इतनी अच्छी डॉग और इतनी फ्रेंडली है, तो इसलिए मैंने आईना को ही चूज करा क्योंकि आईना से वो एकदम से वीडियो देख के बॉन्ड बन गया था। अपनी एज के लोगों को देने के लिए तो ये मैसेज है, मैं बहुत ज्यादा जब भी कोई वीडियो डालती हूँ तो सब मेरे को ये कहते हैं कि तेरी फैमिली तुझे सपोर्ट कर देती है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर देती है, इसलिए तो ये सब कर पाती है, पर ऐसा नहीं है। मैं अपनी पॉकेट मनी से बचा के आर्ट पेज चला के ये सब कर, तो अगर वो भी चाहें तो वो ये सब चीज छोटे छोटे इनिशिएटिव कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। जैसे मैं बाहर अपने डॉगीज को टू टाइम खिलाती हूँ रोड पे, स्ट्रीट डॉग्स को खाना, वो इतना तो कर सकते हैं अपनी पॉकेट मनी से, तो उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, अगर वो कपड़ा एक कम खरीदे महीने में और एक कुत्ते को खाना खिलाएं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, उनके लिए तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी। और बड़े लोगों के लिए जो भी डॉगी घर पे ला रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि रादर बाइंग अ ब्रीड, एक ब्रीड खरीदने से अच्छा आप एक गली में जाओ, बाहर आपको 50 वैरायटी के डॉगी मिल जाएंगे जो बहुत डेस्परेटली एक घर का इंतजार कर रहे हैं और आप उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बेहतर कर सकते हो। उस फ्लफी डॉग को तो कोई भी अडॉप्ट कर लेगा, उसको अडॉप्ट करो ना जिसको सच्ची में नीड है। आईना का नहीं है।